हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर, अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका बहुत ज्यादा हमें प्यार करने का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मैं तो उदास हो गई थी। बिल्कुल भाई, एक दो दिन हमने वीडियोस नहीं बनाई तो मम्मी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। हमें कह रही थी भाई घर चलो, भाई हमने जाकर ना वीडियोस बनानी है। किसी काम की वजह से हम लाहौर गए हुए थे, वो भी व्लॉग मैंने बनाया है, वो अगले हफ्ते अपलोड किया जाएगा। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई इंडिया के जो मदरसे हैं ना अम्मी, उनमें जो है कौन सी तालीम दी जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे तो आपने देखा ही होगा बहुत ज्यादा वीडियोस में कि हमारे यहाँ पे कैसी तालीम दी जाती है, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना है साइंस से लेकर हर चीज की भाई तालीम दी जा रही है। ऐसा करते हैं इस वीडियो को देख लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज के चलिए। जब्बर जब्बर बालो आले गुब्बारे से गालो आले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी से कुछ हाथी से सूंड कुछ हाथी सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रहे। राष्ट्रगीत किसको पता है बताओ, जल्दी बताओ क्या है? क्या बात है? वंदे मातरम। आप बताओ। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत। वेरी गुड, ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। अच्छा क्या क्या पढ़ाई करते हो आप लोग मुझे बताओ, ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? दुरुसुल अशिया। दुरुसुल अशिया। दुरुसुल अशिया। अच्छा इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा? अरबी। अरबी पढ़ाई जाती है, ओके। अच्छा ये क्या है? इब्तिदाई साइंस। इब्तिदाई साइंस, इसमें साइंस पढ़ाई जाती है, विज्ञान? जी जी साइंस। इंटरेस्ट आता है आपको, अच्छा लगता है पढ़ने? जी साइंस। हाँ जी। अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? सबसे अच्छा अरबी। अरबी, अच्छा ठीक है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? तालिमुल इस्लाम। तालिमुल इस्लाम जी। अच्छा इसमें इस्लाम के बारे में बातें बताई जाती है जी। ठीक है, और ये कौन सी किताब है? दुरुसुल लुगातिल अरबिया। अच्छा ये चलिए, और ये कौन सी किताब है भाई? रिमझिम। रिमझिम, इसमें क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी। जल्दी जल्दी बता देना, फिर तुम्हारे टीचर आएंगे तो कहेंगे मैं क्लास आप लोग की डिस्टर्ब कर रही हूँ। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वो कितना अच्छा बच्चा है देखिए, वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। जल्दी से नाम बता दो, नाम बता दो। मुस्कुरा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बिलाल। बिलाल कहाँ के हो? लखीमपुर। लखीमपुर से आए हो, आप कहाँ से आए हो? बिहार। बिहार से आए हो, आप कहाँ से आए हो? मुख्तलिफ जगह से हैं। बहराइच से। बहराइच से, आप कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार। आप बताओ। सिद्धार्थ नगर। आप बताओ। यूपी। अच्छा लोकल के हो तभी मुस्कुरा रहे हो। अच्छा आप बताओ। आजमगढ़। आजमगढ़ से हो, आप बताओ? दिल्ली। दिल्ली से, दिल्ली से आए हो? जी। अच्छा दिल्ली में कहाँ से? बदरपुर बॉर्डर। अच्छा आप बताओ। आजमगढ़। आप बताओ। बिहार। आप बताओ पीछे, जल्दी 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 जल्दी। बिहार। बिहार से। आप बताओ। उन्नाव से। अच्छा एक बात का जवाब दो, प्रधानमंत्री का नाम किसको पता है देश की? सबको पता है। सब हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बता दो कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या बात, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है। अच्छा एक बात और बता ना, राष्ट्रपति जी का नाम किसको पता है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा चलिए और स्वतंत्र दिवस बता दो। स्वतंत्रता दिवस कब पड़ता है? 15 अगस्त। अच्छा भारत की राजधानी कौन बताएगा? भारत की राजधानी बताओ। दिल्ली। न्यू दिल्ली। अच्छा इनको पता था क्योंकि ये दिल्ली के थे। अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों के पास? अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा? इंग्लिश। अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो? इंग्लिश का सब्जेक्ट है जी। इंटरवल के बाद इंग्लिश होता है जी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? क्या वो क्या वो स्टूडेंट है? वेरी गुड। और ये क्या लिखा है? मैं क्या मैं खिलाड़ी हूँ? आई एम ए प्लेयर। क्या मैं खिलाड़ी हूँ? आर यू माई फ्रेंड का मतलब? क्या तुम मेरे दोस्त हो? अच्छा इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करवाते हैं। चलिए पढ़ने अच्छा लगता है जी, बहुत। बड़े होके क्या बनोगे? मैं जॉब करूंगा इंशाल्लाह। जॉब करोगे? जॉब। अच्छा आप क्या बनोगे? आप क्या बनोगे? ये तो जॉब करेंगे, आप क्या कर रहे हो? मौलाना बनोगे। अच्छा आप क्या बनोगे जल्दी बता दो? मौलाना। अच्छा और आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। अच्छा राष्ट्रगान पता है जी? अच्छा हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है? जनगण। अच्छा अरबी के टीचर कौन है आपके? अरबी के टीचर मौलाना अफजल साहब। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन। और मौलाना साले जफर साहब। अच्छा और बाकी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है जी। कोई पोयम आती है इंग्लिश में जी? तुमको आती है इंग्लिश में? इंग्लिश अच्छी रहती है जी, पढ़ने में बहुत मजा भी आता है उसमें जी। जी थोड़ा सा इंग्लिश कम आती है, थोड़ा पढ़ना इतना नहीं आती। अच्छा आप बताओ क्या इंग्लिश में कोई पोयम याद है?
याद है, अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मुख्यमंत्री का नाम? आदित्यनाथ। अरे घबराओ मत, ऐसे बता दो जो दिमाग में आ रहा है। योगी नाथ जी, ऐसे नाम। योगी आदित्यनाथ जी। अब तो आपके पास एनसीईआरटी की तमाम किताबें हैं, देखिए मैं देखना चाहूंगी। यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा दीजिए मुझे, इधर करिए, इधर करिए, इधर करिए। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से बेटा साइंस की किताब है। हाँ, अच्छा, अरबिया। और साइंस की किताब मैंने देखी थी अभी, ये है अरबिया। वो सब्जेक्ट जो इन बच्चों को खूब पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है इब्तदाई साइंस, इब्तदाई साइंस की किताब है ये, इब्तदाई विज्ञान। इसमें क्या सिखाते हैं बेटा? साइंस के बारे में बताया जाता है। साइंस के बारे में बताते हैं यहाँ पे कुछ, ये देखिए, ये साइंस के बारे में याद रखने के लायक बातें, ये तमाम चीजें, गंदा पानी। देखिए वो ये लिखी उर्दू में, लिखी ये उर्दू में लिखी ना जी, तो ये लिखी उर्दू में है, लेकिन ये है साइंस की ही किताब, जिसमें साइंस के तमाम आप देख सकते हैं। वो शीशे का ग्लास, दोनों को दीवार में, तमाम चीजें यहाँ पर है। एक पानी के लिए ग्लास में इस तरह से कुछ लिखा हुआ जी। और नेक्स्ट कौन सी किताब है देख लीजिए, ये कौन सी बेटा? ये उर्दू की है, हमारी किताब, उर्दू, ये उर्दू की किताब। इसका नाम क्या है? हमारी किताब, हमारी किताब। हमें ऐसी बुक से पढ़ाई जाती थी हमारे स्कूल में। अभी तक किस लेसन तक पहुंचे हो आप लोग? ये आपकी कॉपी है जी? अबू बकर कौन है भाई? हमारी कॉपी इधर रखी है। आपकी कॉपी दिखाओ जी। वेरी गुड, कितनी अच्छी राइटिंग है आपकी। मोहम्मद हमजा, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वेरी गुड। अच्छा, ये किस चीज की? इंग्लिश जी, हिंदी भी आती है, उर्दू भी, इंग्लिश भी, तीन तीन है। इंग्लिश की इनकी और अरबी की भी ट्रांसलेशन। देखिए, ये आपको दिखाने का मेरा कारण ये भी है, क्लास के भीतर इन बच्चों की मैं सिलेबस चेक कर रही हूँ, इनकी कॉपीज चेक कर रही हूँ, ये दिखाने का कारण ये भी है ताकि आप समझे जो आम स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई भी यहाँ होती है। और चूंकि इनको दीन की पढ़ाई पढ़ाना भी ज़रूरी है, जो कि यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो किताबें भी यहाँ पर हैं, अरबिक की, उर्दू की, और उनके साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, विज्ञान। ये कौन सी किताबें बेटा? गणित। अच्छा, कहाँ से हो आप ये बताओ? हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप? जी, कश्मीर से। अच्छा, अच्छा लग रहा है लखनऊ आपको? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लखनऊ घूमा वूमा है कि बस ऐसे ही क्लास में बस पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं जी, पढ़ाई भी करते हैं, तो जब उस्ताद से मांगते हैं और घूमने भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो लखनऊ में सबसे बढ़िया क्या लगता है? लखनऊ में सबसे बढ़िया जी बस घंटाघर लग रहा है। अच्छा, घंटाघर गए घूमने? वहाँ बहुत अच्छा। घंटाघर गए हो घूमने? जी गए। और भूलभुलैया देखा है? जी, भूलभुलैया भी देखा है। अरे वाह, लखनऊ जू गए हो कि नहीं गए हो? नहीं अभी वहाँ। अरे हो क्या ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रिमझिम किताब है जी, रिमझिम। हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है बेटा? जी, आती नहीं थी, यहाँ मौलाना साहब ने बहुत सिखाया हमें कश्मीर में ये सब्जेक्ट नहीं होता स्कूल में। जब से हम यहाँ आए तो मदरसे में हमें ये इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया उस्ताद साहब, ये नूरुल हक साहब, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह हिंदी सिखाया। पहले से ही हमें अपना नाम भी लिखना नहीं आता था हिंदी में, मगर जब से हम यहाँ आए तो हमने हिंदी सीखी माशाल्लाह। बहुत थोड़ी उतनी नहीं सीखी थी, मगर थोड़ी बहुत अपना नाम वाम, अपने घर का नाम, अपने भाइयों भाइयों का नाम बहुत अच्छी तरह लिख पाते हम। तो एक बार मुझे अपना नाम लिख के दिखा दो हिंदी में, अपनी कॉपी में, जल्दी से। अच्छा, कश्मीर में कहाँ रहते हो बेटा? हम कुपवाड़ा से जी। अच्छा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा कुपवाड़ा है, वो रहते हैं हनवाड़ा में जी। अच्छा, हमें तो नहीं समझ में आती। जब्बर जब्बर बालो वाले गुब्बारे से गालो वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी से, कुछ जोकर से तोन फुलाए कुछ ऊँटों, कुछ हाथी से सूंड, कुछ हाथी सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। क्या बात है, जबरदस्त है भाई, ताली बजाओ इसके लिए। राष्ट्रगीत किसको पता है, बताओ जल्दी बताओ, क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, आप बताओ। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा, एक बार सब बता दो क्या है राष्ट्रगीत। वंदे मातरम। वेरी गुड, ताली बजा दो अपने लिए और मेरे लिए भी। लगता
लखनऊ के मदरसे में बच्चों से बात करने के लिए आई थी। बच्चों से मैंने सोचा टीचर नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में कुछ सवाल पूछ लूँ उनसे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टीचर जो है बच्चों को धीरे धीरे इशारे इशारे से बता दें या पीछे ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, तो इसलिए हम बिना टीचर के अकेले चले आए हैं। बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों को क्या क्या आता है, बेसिक नॉलेज जो है वो इनको पता है कि नहीं पता है। क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? आई रीड इन इंग्लिश, मैथ, उर्दू, अरबी। अच्छा, तो इंग्लिश अच्छी लगती है? यस मैम। इंग्लिश में बात करते हो तो मतलब अच्छी लगती है? यस मैम, यस। अच्छा, कोई कुछ इंग्लिश में और क्या? अच्छा, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अब्दुल रब। अच्छा, ओके, तुम्हारा नाम बताओ पहले। मोहम्मद सैफ आलम। सैफ आलम, कहाँ के रहने वाले बेटे? बिहार। बिहार के हो? ये उर्दू की कॉपी है? जी, अरबी की कॉपी है। अच्छा, ये अरबी की कॉपी। अरबी अच्छी लगती है? जी। उर्दू अच्छी लगती है? अरबी उर्दू दोनों अच्छी लगती है। इंग्लिश अच्छी लगती है? इंग्लिश भी अच्छी लगती है, अरबी अच्छी। मैथ्स अच्छी लगती है? अच्छी सब लगती है, फेवरेट चीज है अरबी है। फेवरेट अरबी है जी। अच्छा, मैथ्स अच्छी लगती है? जी। अच्छा, मैथ्स के सम सॉल्व कर लेते हो सारे? अभी तो यहाँ के मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। अच्छा, यहाँ पे, वहाँ बिहार में नहीं पढ़ाते थे मैथ्स वगैरह सब? पढ़ाते थे, हिंदी ये सब पढ़ाते थे, पर मैं अरबी पढ़ता था ना, मैथ पढ़ने नहीं जाता था। अच्छा, वहाँ मैथ्स नहीं पढ़ते। अब यहाँ पे तो मैथ्स वगैरह सब पढ़ा रहे, तो मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं लग रहा, नहीं, समझा देते हैं। सब समझा देते हैं। अच्छा, आप बताओ आपका नाम बताओ बेटा। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब। अच्छा साकिब भाई, आप कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ? बिहार। बिहार से हो? बिहार से ज़्यादातर बच्चे हैं भाई, बिहार से आप लोग सब, बहुत सारे सब बच्चे यहाँ पर आ गए। प्रधानमंत्री का नाम पता है? मोदी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और मुख्यमंत्री का नाम जानते हो? जी। बताओ। बिहार के नीतीश कुमार जी। अच्छा, और यहाँ यूपी के तो बता दो? योगी आदित्यनाथ। हाँ, जब यूपी के तो यूपी के पूछ लेंगे, बिहार के तो नीतीश कुमार जी है ही है। जी। अच्छा, और बताएं भाई, आपका नाम बताओ जल्दी। मोहम्मद शर्फे आलम। शर्फे आलम, क्या पढ़ाई कर रहे हो? सब इंग्लिश, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, उर्दू सब पढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश अंग्रेजी तो एक ही होता है, हिंदी अच्छी लगती है? सब अच्छी लगती है। अच्छा, नाम वगैरह लिख लेते हो अपना? सब कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, सिखा दिया यहाँ पे। अच्छा, पहले रहने वाले कहाँ के हो? मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? जी। अच्छा, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हो? जी। अच्छा, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह पढ़ाते थे? नेपाल में हिंदी नहीं होती है, नेपाली होती है। नेपाली होती है? अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी होती है, तो यहाँ पर तो हिंदी है, तो पढ़ रहे हो, मुश्किल लग रहा है? नहीं, मुश्किल नहीं उतना लग रहा है, असातिज़ा सब मेहनत करा रहे हैं, तो मुश्किल नहीं लग रहा है। आप बताओ आपका नाम क्या है? इरफान आलम। इरफान जी। इरफान, प्रधानमंत्री का नाम पता है? पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस क्या, इतने कॉन्फिडेंटली बता रहे, स्वतंत्रता दिवस बता दो। 15 अगस्त को बोलते हैं। अच्छा, गणतंत्र दिवस बता दो। 26 जनवरी। अच्छा, भारत की राजधानी बता दो। जी, भारत की राजधानी? भारत की राजधानी दिल्ली। क्या बात है, कितने जल्दी जल्दी उसने जवाब दिए हैं। कहाँ से आए हो? आसाम से। आसाम से आए हो, इतनी दूर से? जी। अरे, तुम्हारे आसाम में तो ठंडी रहती है, यहाँ तो इतनी गर्मी है, गर्मी में अच्छा लगता है तुम लोग को? यहाँ के रहने, यहाँ रह के मतलब आदत हो गई है। आदत हो गई है? कितना समय से यहाँ पे आए हो? 6 साल हो गए। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी, साइंस और अरबी, उर्दू, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अलावा और भी तमाम है, उनको भी अच्छे से पढ़ना। ओके, तो जोर से बोल दो ओके। जी, तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो हमारी, मुझे लगी है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मदरसा में सिर्फ आपको होता है ना दीनी तलीम, हमें वहाँ पे ज़्यादातर दीनी तलीम हासिल करने के लिए बच्चे वगैरह जैसे तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये इंडिया का एक मदरसा था लखनऊ में, नहीं लखनऊ के कौन सा था, शहर भूल भी गई हूँ मैं, देख लो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। तो जो है ना, जहाँ पे भी मदरसा था वहाँ पे उन्होंने तालीम जो दे रहे हैं बच्चों को, साइंस की भी, इंग्लिश की भी, मतलब के दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान को यहाँ पे जीना होता है, तो अगर इस तरह से तालीम दी जाए तो बच्चों का जो माइंड है ना, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है कि वो जो है ना कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने, इस तरह से बच्चों में इंटरेस्ट बनना है। हाँ, पढ़ के ही बनना होता है, तो उनको हर तालीम दी जा रही है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। होता है ना कोई हेट या इस तरह का बच्चों के दिमागों में डाला जाए बात, ऐसी कोई बात वहाँ पे सिखाई नहीं जाती, और फर फर जो बच्चे हैं वो जवाब दे रहे थे। हाँ। उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, सब जो होता है ना वो सारी लैंग्वेज में जो बुक्स थी, और उनको हर चीज़ सिखाई जा रही है ताकि वो आगे बढ़कर अगर कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर कोई बनना चाहता है, कोई मौलाना बनना चाहता है, या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर एक को ना उस तरीके की तालीम दी जा रही है ताकि वो आगे बढ़ चढ़ कर जिसका दिल चाहे जो बन जाए। हाँ, वो हमें हमारे यहाँ पे ना, मैंने मदरसे में देखा था, हमारे यहाँ पे सिर्फ वो ना उनको यही सिखाते रहते हैं कि आप
को मतलब जो दीनी तलीम होती है ना, सिर्फ वो मतलब होता है ना कि साइंस या फिर ये वो भी तो सिखाना चाहिए, वो नहीं सिखाते, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं और फिर उनका जो इंटरेस्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि बच्चों को ना दोनों तलीमें देनी चाहिए, दीनी और दुनियावी दोनों, ताकि वो आगे बढ़कर ना अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर बनाए, अपने कंट्री का नाम रोशन करें, और उनको भी हाँ फ़र्ज़ करें उनसे कोई कोई सवाल पूछ ले तो उनको हर चीज़ का सवाल का जवाब आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने इतने सवाल पूछे हैं तो उनको हर सवाल का जवाब पता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ना अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत पॉजिटिव वीडियो थी, बहुत मतलब होता है ना पाकिस्तान में रहते हुए मुझे ये चीज़ देख के कि इंडिया में मदरसा है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी तलीम दी जा रही है, तो ये देख के बहुत ज़्यादा ना दिल को खुशी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं कोई वीडियो, थैंक यू।